परिचय ईशा की माँ किताब की दुकान पर हैं। उन्होंने ईशा के लिए कुछ किताबें और नोटबुक खरीदी हैं। वह दुकानदार को खरीदे हुए सामान के लिए सौ रुपए के तीन नोट और दो पांच के सिक्के देती हैं धन से हम पिन चॉकलेट बिस्कुट खिलौने टिकटें किताबें कार घर इत्यादि खरीद सकते हैं इस अध्याय में आप धन के बारे में जानेंगे आओ सीखें मुद्रा को परिभाषित करना सिक्के और नोटों की पहचान करना सिक्के और नोटों को मिलाना सिक्के और नोट किसी देश में प्रयोग होने वाला धन मुद्रा कहलाता है भारतीय मुद्रा के अंतर्गत रुपए के नोट तथा सिक्के आते हैं वे भिन्न भिन्न मूल्य के होते हैं रुपए के नोट कागज़ के बने होते हैं रुपए के नोट एक दो पांच दस बीस पचास सौ पांच सौ तथा हजार के होते हैं सिक्के धातु के बने होते हैं और गोल होते हैं सिक्के पच्चीस पैसे पचास पैसे एक रुपया दो रुपये पांच रुपये और दस रुपए के होते हैं सिक्के बच्चों, इस छोटे से सिक्के को देखो ये पच्चीस पैसे का सिक्का है अब इस थोड़े से बड़े सिक्के को देखो ये पचास पैसे का एक सिक्का है और ये एक रुपए का सिक्का है ये दो रुपए का एक सिक्का है ये पांच रुपए का एक सिक्का है ये दस रुपए का एक सिक्का है आओ अब हम इन सिक्कों को मिलाकर प्रयोग करते हैं आप एक रबड़ खरीदना चाहते हैं इसकी कीमत एक रुपए है आपके पापा के पास पचास पैसे के दो सिक्के हैं वो दुकानदार को उन्हें दे देते हैं और रबड़ खरीद लेते हैं इस तरह पचास पैसे के दो सिक्के मिलकर एक रुपया बनता है एक रुपये के दो सिक्के मिलकर दो रुपये बनते हैं दो रुपए के दो सिक्के तथा एक रुपए का एक सिक्का मिलकर पांच रुपए बनते हैं पांच रुपए के दो सिक्के मिलकर दस रुपए बनते हैं आओ खेलें सिक्कों का उनके मूल्यों के साथ मिलान करें नोट इस नोट को देखो ये एक रुपए का नोट है ये दो रुपए का एक नोट है ये पांच रुपए का एक नोट है ये दस रुपए का एक नोट है आओ अब हम इन नोटों के अलग अलग मिश्रण को देखते हैं एक रुपए के दो नोट मिलकर दो रुपए बनते हैं दो रुपए के दो नोट तथा एक रुपए का एक नोट मिलकर पांच रुपए बनते हैं पांच रुपए के दो नोट मिलकर दस रुपए बनते हैं आओ खेलें उपयुक्त रुपए के नोटों की सहायता से सामानों की कीमतों का मिलान करें हमने क्या चर्चा की किसी देश में प्रयोग होने वाला धन उस देश की मुद्रा कहलाता है भारतीय मुद्रा के अंतर्गत रुपए के नोट तथा सिक्के आते हैं रुपए के नोट कागज के बने होते हैं रुपए के नोट एक दो पांच दस बीस पचास सौ पांच सौ तथा हजार के होते हैं सिक्के धातु के बने होते हैं सिक्के पच्चीस पैसे पचास पैसे एक रुपये दो रुपये पांच रुपये तथा दस रुपये के होते हैं हम भुगतान करने के लिए अलग अलग नोटों तथा सिक्कों के विभिन्न संयोजन का प्रयोग करते हैं